तो स्टार्ट करें। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कॉस्ट ऑडिट और टैक्स ऑडिट करवा दिया है क्लास में। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल ऑडिट। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो सुनो सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है। पहले ये, जैसे कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस की अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि नहीं होती? क्योंकि जो बिजनेस होता है वो सोसाइटी में ही तो रह के काम कर रहा है ना, तो बिजनेस की अपनी सोसाइटी के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे बिजनेस से जो जुड़े हुए लोग हैं तो उनके टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस जहां पर स्टेब्लिश है उसके आसपास के एरिया से रिलेटेड उसके एनवायरमेंट को क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मान लो ये बिजनेस है, तो बिजनेस में अंदर काम कर रहे लोगों के लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस के आसपास के एनवायरमेंट से रिलेटेड बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस के आसपास की सोसाइटी से रिलेटेड बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर बिजनेस की अपनी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एक क्या बोलते हैं, एक स्कीम भी निकाली है, उसको बोलते हैं CSR, उसको बोलते हैं CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब CSR नाम का एक स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने, जिसमें यह लिखा हुआ है कि हर बिजनेस को उसके सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट में से खर्चा करना पड़ेगा। हर बिजनेस को अपने प्रॉफिट में से अपने सोसाइटी के लिए, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो उससे जुड़ा हुआ जगह है, उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे बिजनेस के लिए ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनके लिए अनिवार्य है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR की ऑडिट, अब मान लो एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप लोग सुनो ना, बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं उन लोगों का स्कूल कॉलेज अस्पताल बहुत सारा ट्रस्ट व्रस्ट ये चलते रहता है। जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सुने होंगे, अंबानी लोगों का कोकिला बेन हॉस्पिटल है, सुने हो ना आप लोग, और उसके बाद फिर उनकी स्कूलें भी चलती है बहुत सारी। तो ये क्या है, क्यों खोलते हैं? ये उनका खुद की भी इच्छा होगी, ठीक है, लेकिन वो किसके तहत काम कर रहे हैं, ये CSR के तहत। तो मतलब ये बोल रहा है कि जो कंपनी काम कर रही है उसको अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन कहाँ खर्चा करना पड़ेगा, CSR में। तो कितना खर्चा करना पड़ेगा उसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। वो अपन अपना मुद्दा नहीं है कि कितना खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन खर्चा करना जरूर पड़ेगा उनको। तो मान लो कोई कंपनी है, उसके ऊपर CSR लग गया, मान लो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लग गई। अब उसको बोला गया कि आप अपने प्रॉफिट का 5% CSR में खर्चा करोगे। प्रॉफिट का कितना परसेंट, 5% CSR में खर्चा करोगे, ये उसके ऊपर नियम लग गया है। अब वो एक्चुअली वो कर रहा है कि नहीं, 5% बचाने के फिराक में तो नहीं बैठा है, आ रही बात समझ में? या तो प्रॉफिट कम दिखा दे रहा है, या फिर 5% जितना बनना चाहिए उतना खर्चा कर नहीं रहा है। तो इस चीज की वो ऑडिट की जाती है, इस चीज की गवर्नमेंट है ना क्या करती है, ऑडिट करवाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोशल ऑडिट। एक बार पढ़ो, सोशल ऑडिट रिफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ ऑडिट इन विच इवेल्युएशन ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री, कंपनी ऑफ फर्म, कंपनी ऑफ नहीं है और होगा, और फर्म इज डन। सोशल ऑडिट मतलब क्या है, सोशल ऑडिट एक ब्रांच ऑफ ऑडिट है जहां पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल अकाउंटेबिलिटी को इवेल्युएट किया जाता है, किसका, किसी इंडस्ट्री का, किसी कंपनी का या किसी फर्म का। इनफैक्ट दिस इज अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्रिटिकल इवेल्युएशन है किस चीज का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग। जो CSR से रिलेटेड एक्टिविटी करती है जो कंपनियां, उसका एक क्रिटिकल इवेल्युएशन है। तो सोशल ऑडिट का समझ में आया मतलब क्या है? तो आप लोगों को अगर पेपर में आ गया लिखने के लिए कि CSR सोशल ऑडिट क्या है, तो क्या लिखोगा? क्या लिखोगे CSR सोशल ऑडिट का अगर लिखने को आ गया तो? सोशल ऑडिट इज अ ऑडिट, सोशल ऑडिट क्या है, एक ऑडिट है जहां पे किसी कंपनी का, किसी फर्म का या किसी इंस्टीट्यूशन का या फिर किसी इंडस्ट्री के
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल अकाउंटेबिलिटी का क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, क्रिटिकल इवेल्युएशन किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख कर आ सकते हो। तो एक बार मैं और रीड कर दे रहा हूं, सोशल ऑडिट रिफर्स टू डेट ब्रांच ऑफ ऑडिट इन विच इवेल्युएशन ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब समझते हो ना, जवाबदारी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री कंपनी और फर्म इज डन। इनफैक्ट दिस इज अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री, द स्कोप ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री इज वेरी वाइड। इनफैक्ट द इंडस्ट्री फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेस। द क्वेश्चन हियर अराइजेस इज एज टू व्हाट आर दोज गेन व्हिच एन इंडस्ट्री कैन प्रोवाइड टू सोसाइटी, व्हाट शुड बी द लिमिट टू सच गेन्स। After determining this, the scope of social audit can be determined. The services and gains to be provided by the industry and their limit can be determined only after knowing the relationship between industry and the society. कुछ समझ नहीं आया? मैं आप लोगों को जो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, वही चीज लिखी हुई है। क्या बोल रहा है सुनो, कोई एक इंडस्ट्री है, कोई एक कंपनी है या कोई है, ये जो भी अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है, ये जो भी अपना बिजनेस कर रही है, तो इसकी अपने सोसाइटी के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ इसको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च कितना करना है ये डिसाइड करना, खर्च कहां करना है और किसके लिए खर्च करना है, ये सब चीज आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ये सब चीज सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, उसको चेकिंग, उसके इवेल्युएट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोशल ऑडिट। तो ये आप अपने ये जो शुरू के जो दो पैराग्राफ है ना, उसको अपने मन से लिखना है, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्रिटिकल इवेल्युएशन, ठीक है, क्रिटिकल इवेल्युएशन। उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कुछ कुछ वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। हेलो, हाँ नमिता बोलो, हाँ नमिता, हेलो, हाँ नमिता बोलो, हाँ मैं तो अभी क्लास में, ऑडिट की क्लास चल रही है। हाँ ठीक है ना, आप लोग आ जाना ना कॉल करके मॉर्निंग में ही। चलो ना, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ चलो, देखो रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड इंडस्ट्रीज, सोसाइटी एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री रिलेशन विद पब्लिक, मतलब यहाँ पे किसी इंडस्ट्री और किसी सोसाइटी, सोसाइटी कोई एक चीज नहीं होती है, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो कोई एक इंडस्ट्री है, उसका सोसाइटी के साथ कैसा कैसा रिलेशन हो सकता है, तो यहाँ पे बताया गया इंडस्ट्री का रिलेशन किसके साथ, पब्लिक के साथ। इंडस्ट्री का रिलेशन किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। रिलेशन विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट और सर्विस जो जिसमें डील कर रही इंडस्ट्री उसके बारे में, उसके आगे बस इतना ही है, तीन रिलेशन बताया गया है। इंडस्ट्री रिलेशन विद पब्लिक, पब्लिक इंक्लूड्स वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज एटसेट्रा। एन इंडस्ट्री कैन मेंटेन गुड रिलेशन विद पब्लिक बाय मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद दीस सेक्शंस, दैट इज गिविंग प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर्स। एक इंडस्ट्री इन्वेस्टर लोगों के साथ कैसे रिलेशन अच्छा बना सकती है, उनको अच्छा रिटर्न देके, उन लोग जो पैसा लगाए हैं उसको क्या करेगी, इन्वेस्टर का क्या चाह है आप इंडस्ट्री से, कि भाई जो पैसा लगा है उसके बदले एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एट जेन्युइन प्राइस कॉन्स्टेंटली टू कंज्यूमर एंड फेयर रेम्यूनरेशन एंड गुड्स एंड वर्किंग कंडीशन टू एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। अगर कोई कस्टमर है तो उसको अच्छे क्वालिटी का गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करो,
और अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है आपके यहाँ तो उसको अच्छी खासी रेम्यूनरेशन दो ताकि उसका आजीविका ठीक ठाक चल सके। तो मैं यहाँ पर बोलना बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो रिलेशन होता है इंडस्ट्री का पब्लिक के साथ, तो पब्लिक में कौन कौन आते हैं? पब्लिक में इन्वेस्टर आ जाते हैं, इन्वेस्टर के अलावा कंज्यूमर आते हैं और एम्प्लॉयज आते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको गुड रिटर्न दे, कंज्यूमर्स के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए कि उसको अच्छा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करे, और एम्प्लॉयज को क्या दे, अच्छा खासा रेम्यूनरेशन दे। ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, रेम्यूनरेशन के साथ साथ उसको एक अच्छा एनवायरमेंट भी दे काम करने के लिए ताकि वो वहां पे टिका रहे। तो ये होती है एक इंडस्ट्री की पब्लिक से रिलेशन। उसके बाद अगला, इंडस्ट्री रिलेशन विद एनवायरमेंट। इंडस्ट्री रिलेशन विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के आसपास के वातावरण से क्या रिलेशन है। अनदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री इज इट्स रिलेशन विद एनवायरमेंट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंडस्ट्री टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। कोई इंडस्ट्री की ड्यूटी क्या होती है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंडस्ट्री टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। इट मस्ट एंश्योर दैट द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, दैट इज स्मोक, गैसेज एटसेट्रा, डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरमेंट एंड कॉजेस रिजल्ट इंपैक्ट ऑन द पीपल। एन इंडस्ट्री कैन इस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशन विद पीपल बाय टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होती है जो धुआं छोड़ रही है, बहुत सारा प्रदूषण कर रही है, पानी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज कर रही है। तो उस इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, एक ऐसा मतलब सिस्टम लगाना चाहिए जिससे वो या तो प्रदूषण ना हो, और अगर उसको रोका नहीं जा सकता तो कम, या तो रोका जा या तो ना ही हो या फिर हो तो कम हो। तो इस तरीके से वो अपना सेटअप कर सकती है जिससे उसका रिलेशन ठीक ठाक मेंटेन रहेगा। किसके साथ? एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट अगर सुरक्षित रहेगा तभी तो वहां की पब्लिक लोग भी ठीक ठाक रहेंगे। उसके बाद रिलेशन विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये कंज्यूमर में हो चुका है लेकिन एक पॉइंट बन गया अलग से। रिलेशन विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, द इंडस्ट्री कैन फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड प्रोवाइडिंग हाई क्लास सर्विसेज टू द सोसाइटी। ये अपन वहां पे कर चुके हैं। तो तीन टाइप का रिलेशन देखने को मिला। एक इंडस्ट्री का किससे रिलेशन है, पब्लिक। पब्लिक में तीन लोग आते हैं, इन्वेस्टर, कंज्यूमर और एम्प्लॉयज। इन्वेस्टर को क्या चीज का देखेगा? गुड रिटर्न। और कंज्यूमर को क्या देगा? क्वालिटी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और एम्प्लॉयज को दो चीज देगा, हाई रेम्यूनरेशन, मतलब हाई नहीं, गुड रेम्यूनरेशन बोलना है। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई जो एम्प्लॉय की कैपेसिटी है 10,000 की, उसको 50,000 दे दो। तो भाई इंडस्ट्री को अपना प्रॉफिट भी तो देखना है। प्रॉफिट मतलब जो उसकी जो, अब पार्ले बिस्किट मार्केट में 5 रुपए का मिलता है तो उसको 50 रुपए देके खरीदोगे? जो जिसकी रेट है वही तो देना पड़ेगा ना। तो उसको जो अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन है वो दो, और उसको एक गुड एनवायरमेंट दो ताकि वहां पे अच्छे से काम कर सके। उसके बाद एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या है कि अगर इंडस्ट्री कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है तो पॉल्यूशन या तो बंद हो जाए या फिर कम हो जाए, उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज मतलब अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे तो हाई क्वालिटी गुड्स और हाई क्लास सर्विसेज उसको प्रोवाइड करनी है। तो इस तरीके से वो गुड रिलेशन मेंटेन कर सकती है कोई इंडस्ट्री। आगे, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड बिलो। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ब्रीफली डिस्क्राइब्ड है, मतलब कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री की अपने अंदर इंटरनल एरिया में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और दूसरा एक्सटर्नल एरिया में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये देखना है। तो इंटरनल एरिया मतलब क्या समझते हो? इंटरनल एरिया मतलब इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दो, शेयर होल्डर्स को क्या दो, डिविडेंड, ये सब अंदर के लोग है ना। उसके बाद कस्टमर्स को क्या दो, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो एम्प्लॉय है उनको फेयर रेम्यूनरेशन दो, और उनको अच्छा खासा क्या दो, मतलब एनवायरमेंट प्रोवाइड करो। उसके बाद डेवलपमेंट, अपने वर्कफोर्स की डेवलपमेंट करो, ट्रेनिंग दो ताकि हमारे लिए अच्छा काम करे वो। उसके बाद प्रोवाइडिंग वर्किंग कंडीशन टू एम्प्लॉय, ये इससे ही रिलेटेड है। मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन लेबर और मैनेजमेंट, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में एक सामंजस्य समझते हो ना। लेबर मैनेजमेंट की बात नहीं सुनेगा तो इंडस्ट्री ज्यादा दिन चलेगी क्या? नहीं। तो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलो, कॉर्डियल रिलेशन मतलब कोऑर्डिनेशन बना के चलना। और फुलफिलिंग ऑल सोशल लायबिलिटीज ऑनेस्टली, ये सब क्या है? इंटरनल एरिया है। अब एक्सटर्नल एरिया क्या है? एक्सटर्नल एरिया ऑफ सोशल ऑडिट इंक्लूड द फॉलोइंग, ऑलवेज ट्राइंग फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करो, ठीक है।
पेइंग स्पेशल अटेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया. बैकवर्ड एरिया में आप इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचो, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है. इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब जो लोग काम नहीं करते उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो ताकि और लोग आपसे जुड़े और आपका काम करे. क्रिएटिंग सोशल एनवायरमेंट टुवर्ड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के टुवर्ड सोशल एनवायरमेंट क्रिएट करो. सोशल एनवायरमेंट मतलब बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज नहीं होती है, उसको वहां पर वो करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे. मेंटेनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को मेंटेन करके चलो. लास्ट में कंक्लूजन, बस इतना सही है सोशल ऑडिट कंक्लूजन. इट इज दस क्लियर दैट द लायबिलिटी ऑफ सोशल ऑडिट इज टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड दीज कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द सोशल ऑडिटर इम्पार्शली एग्जामिन दिस एरिया एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट स्टेटिंग दैट द बिजनेस और इंडस्ट्री हैज फुलफिल्ड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. He should also make note of drawbacks or shortcoming in fulfilling social responsibilities and how this can be overcome. मतलब एक ऑडिटर अगर ऑडिट करने जाएगा तो ऑडिट किस चीज की करेगा, अभी सोशल ऑडिट. तो जब तक वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही नहीं समझेगा तो सोशल ऑडिट कैसे समझेगा. तो यहां पर है ना, सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाया गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एरिया को समझाया गया. अब कॉन्क्लूजन में ये लिखा है कि ऑडिटर जब जाएगा तो उसकी लायबिलिटी है कि सोशल ऑडिट को जब करेगा तो ये सारे एरियाज को और ये सब रिलेशन को देख के अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और उसका क्रिटिकली एग्जामिन करे कि वो सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से. तो ये हो गया आपका सोशल ऑडिट. तो सोशल ऑडिट का अगर पेपर में आ गया तो क्या लिखोगे, सबसे पहले सोशल ऑडिट की मीनिंग इंट्रो, उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके बाद रिलेशन ऑफ इंडस्ट्री और सोसाइटी, उसके बाद उसके एरियाज इंटरनल एरिया और एक्सटर्नल एरिया, और लास्ट में क्या लिखोगे कंक्लूजन. तो ये हो गया आपका सोशल ऑडिट.